दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को अच्छा बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत वेस्ट इंडीज के बीच पहले टेस्ट मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने शतक पूरा करते ही रच दिया बड़ा इतिहास। रोहित शर्मा, विराट कोहली तो रह गए इतने पीछे, साथ में सचिन तेंदुलकर, सहवाग और डॉन ब्रैडमैन जैसे दिग्गजों का तोड़ा ऐसा कई सालों पुराना रिकॉर्ड की देखकर पूरी दुनिया रह गई हैरान। तो दोस्तों यशस्वी जायसवाल की शतकीय पारी के साथ उनके रिकॉर्ड तो आपको बताएंगे और लास्ट वाला रिकॉर्ड तो जाने बिना आप भी कहीं भी मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, सहवाग में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला जारी है और दोस्तों इस टेस्ट मुकाबले में जैसी उम्मीद पूरा भारत देश कर रहा था यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, वही प्रदर्शन हम सभी को एक बार फिर से मैदान पर देखने के लिए मिला। जी हां दोस्तों, आज भारत वेस्ट इंडीज के बीच पहले टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन था और इस मुकाबले की शुरुआत आज दूसरे दिन भारतीय पारी यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के साथ हुई। हालांकि एक समय पर तो लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज आज शायद जल्दी आउट हो जाएं और अपना विकेट गंवाकर पवेलियन की राह पकड़ लें, लेकिन दोस्तों यहां तो इन दोनों बल्लेबाजों ने आज अपना शतक पूरा करने की ओर आगे बढ़ चले। दरअसल हुआ ये कि एक तरफ जहां रोहित शर्मा ने तीसरे दिन के मुकाबले में अपना अर्धशतक पूरा नहीं किया था और 30 रन पर खेल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने 40 रन बना लिए थे और जायसवाल आज रोहित शर्मा के मुकाबले में काफी अच्छा खेलते हुए नजर आए। जी हां, आपको तो पता ही होगा कि वेस्ट इंडीज की टीम ने पहली पारी में अपने 10 विकेट गंवाकर 150 रन मात्र बनाए थे और भारतीय टीम को पहले 150 रन बनाने थे और फिर उनके खिलाफ लीड भी हासिल करनी थी। लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल था। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे दिन ही इस आंकड़े को पहले ही सेशन में पार कर लिया और इस दौरान यशस्वी जायसवाल के बल्ले से तूफानी छक्के चौकों की बरसात भी देखने के लिए मिली। हालांकि दोस्तों यशस्वी जायसवाल को लगभग एक गेंद पर तो रकीम कॉर्नवेल ने फंसा ही लिया था, लेकिन दोस्तों यहां कॉर्नवेल की गेंद पर वो आउट करार नहीं दिए गए क्योंकि गेंद बल्ले से लगकर पीछे खड़े विकेटकीपर जोशुआ डी सिल्वा के पास गई थी। लेकिन दोस्तों यहां पर यशस्वी जायसवाल ने इस मौके का अब पूरा फायदा उठाया और यहीं से उन्होंने अपनी पारी का रुख ही बदल कर रख दिया। यहां पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से बस बड़े शॉट देखने के लिए मिल रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने सबसे पहले तो अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक पूरा करने के बाद तो आप जानते हैं कि यशस्वी जायसवाल इधर शतक जड़ने से कभी नहीं चूकते और जायसवाल अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। हालांकि दोस्तों इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने कई बड़े कीर्तिमानों और इतिहासों को अपने नाम किया। जी हां, आपको तो ये पता ही है कि यशस्वी जायसवाल का यह डेब्यू मुकाबला है, जहां डेब्यू मुकाबले में यशस्वी जायसवाल भारत के लिए 8वें ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अपने डेब्यू मुकाबले में ही 50 से ज्यादा रन का स्कोर जड़ा हो। जी हां दोस्तों, अपने डेब्यू मुकाबले में 187 रन का स्कोर शिखर धवन ने जड़ा था, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जैसा कि आप सब यहां पर लिस्ट में भी देख सकते हो। तो वहीं पृथ्वी शॉ इस सूची में शामिल थे, केसी इब्राहिम, मयंक अग्रवाल, सुनील गावस्कर, अरुण लाल, दिलावर हुसैन और अब यशस्वी जायसवाल का नाम इस लिस्ट में शुमार हो चुका है। और जायसवाल को अब इंतजार है, अगर वो यहां 200 रन जड़ देते हैं तो वो शिखर धवन के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक झटके में ही ऊपर आ जाएंगे। तो वहीं दोस्तों बात करें अगर अगले रिकॉर्ड के बारे में जो यशस्वी जायसवाल ने तोड़ा, वो ये है कि सबसे अच्छे औसत के साथ बल्लेबाजी करने के मामले में यशस्वी जायसवाल ने पहले ही पारी के आधार पर सर डॉन ब्रैडमैन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज रहे हैं, उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और यहां तक कि रोहित शर्मा और विराट कोहली से भी अच्छी बल्लेबाजी अपने डेब्यू मुकाबले में औसतन स्कोर से की है। बाकी आप सब यहां पर सूची में भी देख सकते हो। अब आप सभी की क्या राय है यशस्वी जायसवाल के इन रिकॉर्ड को देखने के बाद, और आप जायसवाल को 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।